Hello students, this is your Sargam Sir. Today I am going to start class 9th mathematics chapter 1 number system. और number system पढ़ने से पहले हम इसके बारे में detail में number system होता क्या है, real numbers के बारे में कितने इसके parts हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, सभी के बारे में detail में जानेंगे. Okay, so let's start. Real number. स्टूडेंट, रियल नंबर को हम क्लास 9 के बेस पे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इसे दो पार्ट में बांटते हैं. ठीक है, वैसे रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर एक एक्चुअल नंबर होता है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में रियल नंबर का यूज़ होता है. ओके, सो लेट स्टार्ट. कि रियल नंबर को दो टाइप में बांटा गया है. एक हमारा होता है विदाउट डेसिमल वाले. ओके, एक होता है विद डेसिमल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल का. विदाउट डेसिमल के अंदर हमारे इसके पार्ट्स होते हैं इंटीजर्स. आपने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में. विदाउट डेसिमल में इंटीजर्स आता है, एक और चीज आता है हमारा, वो है फ्रैक्शन. ओके, अब इंटीजर्स, इंटीजर्स होते क्या है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये सभी नंबर लाइन के नंबर्स हैं, तो आपको पता ही है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं. बेसिकली हमने दो टाइप पढ़ा है, लेकिन जीरो को हम कैसे भूल सकते हैं? ओके, तो ये जो हमारा वन, टू, थ्री, फोर, ये जो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो ये जीरो है इसे हम जीरो इंटीजर्स भी कहते हैं. जीरो इंटीजर. ओके, और ये जो नेगेटिव्स हैं इसे हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे विदाउट डेसिमल्स में हमारे इंटीजर्स आते हैं, उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो भी एक इंटीजर है, इसे हम जीरो इंटीजर्स कहते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे जितने भी वन, टू, थ्री प्लस के साइन वाले होते हैं वो सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव साइन वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है. कौन? जीरो. इसे जीरो इंटीजर्स कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर कुछ और पार्ट्स भी हैं इसके, जैसे कि नेचुरल नंबर. स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर. जैसे हम काउंट करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से या वन से? वन से स्टार्ट करते हैं. तो इंडियन ने हमारे जो वन से जो स्टार्ट होता है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर. ओके, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक चलता जाता है. ओके, ये हमारे नेचुरल नंबर. एक और होता है हमारा होल नंबर. क्या होता है स्टूडेंट्स? होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है. ओके, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यू. अब ये नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बीच में डिफरेंस आपको पहले से ही पता होगा. और नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, सो ये वन से स्टार्ट होता है. होल नंबर्स में हमारा जीरो ऐड होता है. ओके, तो होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर बन सकता है क्योंकि वन, टू, थ्री इसके पास है सारा नंबर जो नेचुरल नंबर के होते हैं. बट नेचुरल नंबर का भी होल नंबर नहीं बन सकता बिकॉज इसके पास क्या नहीं है? जीरो नहीं है. ओके, तो हमारे इंटीजर्स हमने ही पढ़ा, इसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सभी आते हैं. स्टूडेंट, अब ये ध्यान दो कि ये जितने भी हमने इसे विदाउट डेसिमल्स के पार्ट पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एज वेल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सभी को कहा जाता है रैशनल नंबर. क्या स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, और जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. गेट इट? अब देखो, आप बोलोगे सर जीरो क्या हमारा रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो, क्योंकि इसके नीचे वन होता है. तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, यहाँ तो जीरो तो है नहीं नीचे, तो ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो हमारा जो जीरो है
ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम इसमें से किसी नंबर्स की बात करें, 1, 2, 3, 4 में अगर 2 लेते हैं तो 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, देन ये भी हमारा क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर -4 है तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर्स है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि विदाउट डेसिमल वाले जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, बिकॉज इन सभी को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। गेट इट? ओके, अब हम बात करेंगे विद डेसिमल्स के बारे में। विद डेसिमल्स इसके हम 3 पार्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ कहा एक डेसिमल होता है हमारा इस तरीके से 2.4, इसका मतलब ये एंडिंग हो जाती है इसकी, पॉइंट के बाद के आगे कोई डिजिट नहीं होता, चाहे कुछ भी ले लो 2.4 ले लो 2.46, लेकिन क्या होता है उसका एंड हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता। सेकंड टाइप का डेसिमल होता है हमारा कुछ ऐसा कि जैसे कि हमने मान लिया 9.23 23 23 .. यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है, कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं हमारे पास। थर्ड कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि 4.19 6 3 2 1 .. यानी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ये एंडिंग भी नहीं हुआ इसकी, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसके पॉइंट के बाद के डिजिट्स यहाँ भी पॉइंट के बाद के डिजिट्स कंटिन्यू हैं, बट इस वाले में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर सभी नंबर्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के हैं। तो ये विद डेसिमल वाले ये 3 कैटेगरी में हमारे आते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं इन्हें कहा क्या जाता है। ओके, तो जिसकी एंडिंग हो जाती है तो ये हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग स्टूडेंट ध्यान से, जब भी हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म वाले नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद कोई डिजिट की रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो वो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो बार बार रिपीट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमने इसे इसलिए कहा क्योंकि पॉइंट के बाद इसके डिजिट्स एंडिंग नहीं हो रही है इसकी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट्स के बाद के नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एंडिंग नहीं हो रही जैसा कि हमारा इसमें हो रहा था, तो इसे जो एंडिंग हो गया टर्मिनेटिंग, और जिसकी एंडिंग ना हो रही है उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में यहाँ पर रिपीटिंग भी हो रहा है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ओके, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कब, जब पॉइंट के बाद कुछ पर्टिकुलर नंबर्स बार बार रिपीट होते जाए, जैसे कि अगर हम यहाँ ले लें 4.123 123 123 .. तो 3 ही डॉट डालते हैं, ओके, 3 से ज़्यादा डॉट नहीं डालते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू होता चला जा रहा है और ये 1, 2, 3 की रिपीटेशन बार बार हो रही है, तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग हो रही है ना, इसलिए रिपीटिंग नंबर्स। लेकिन यहाँ की अगर बात हम डायरेक्ट 19.68 और यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से हमने इसको क्या नाम डाला जो रिपीटिंग हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ नंबर्स की पॉइंट के बाद क्या हो रही है, रिपीटेशंस हो रही है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है। और थर्ड है ये कि पॉइंट्स के बाद इसके नंबर्स, इसकी एंडिंग तो नहीं हो रही है इसके डेसिमल्स पॉइंट की, लेकिन इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जैसा पैटर्न हमारा इसमें था, सो ये कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, तो डेफिनेटली होगा ही नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, और साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी है। ओके स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। सो अब यहाँ बात करते हैं, हमने विद डेसिमल्स के 3 पार्ट के बारे में जाना, एक तो जिसकी एंडिंग हो जाती है, और दूसरा जो इसमें पर्टिकुलर पैटर्न है कुछ नंबर्स की रिपीटिंग बार बार हो रही है, तीसरा उसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स बिल्कुल ही अलग अलग आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, बट उसकी एंडिंग नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू चलता जा रहा है पॉइंट्स के बाद भी डिजिट आए जा रहे हैं। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये दोनों जो है ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना आप, रैशनल नंबर।
विदाउट डेसिमल वाले सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? विदाउट डेसिमल वाले सारे के सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, बट यहाँ पर भी विद डेसिमल वाले में भी जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इन्हें भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q कंडीशंस भी है इसका, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं ये क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर। ओके, रूट फोर नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि उसे अगर रूट फोर की बात करें तो ये हमारा पेयर बन जाता है, ये बाहर आ जाएगा, ये तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल तो हो नहीं सकता। सो रूट फाइव, रूट सेवन एक्सेट्रा, और हमारा जो पाई होता है ना, ये पाई भी हमारा किस में आता है, इरेशनल नंबर में। स्टूडेंट्स, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नंबर्स होते हैं और इन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर, ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे रियल नंबर्स का पूरा, इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब का सब हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझिए। लेट मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा, जैसे कि रूट, अभी मैंने 4 की बात कही, अगर 64 हो तो क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट्स, इसके पेयर्स भी बन सकते हैं, बाहर निकल गया 8, ये क्या होगा, रैशनल नंबर। रूट 64 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल है, ना कि इरेशनल। याद रखना इस बात को कि अगर जितने भी रूट के अंदर होते, ज़रूरी नहीं है कि रूट के अंदर वाले नंबर सभी के सभी इरेशनल ही हो, अगर उसे हम फैक्टराइज करके उसे पेयर बाहर निकल के आ जाए तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो ध्यान देना। और जो कन्वर्ट नहीं हो पाते वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर, गेट इट। देन स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्लास 9th के नंबर सिस्टम्स के सभी जितने भी नंबर्स आते हैं इसके अंदर, रियल नंबर्स के अंदर सभी के बारे में। सो वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट बारी है कि इस हमारे क्लास चैप्टर, क्लास 9th के चैप्टर में किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसी भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ये आएगा इसमें, और किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच के नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला है हमारा 2 rational number. Okay, student. तो पहला हम सीखेंगे to find rational number बिटवीन टू रैशनल नंबर, किसी भी, अगर हम बात करते हैं दो रैशनल नंबर लेते हैं, 1 और 9। ओके, 1 और 9, अगर मैं पूछूंगा बताओ बच्चों 1 और 9 के बीच में कितने रैशनल नंबर, तो फटाक से बोलोगे सर इसके बीच में हमारा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, आप फटाक से बता दोगे। अगर मैं पूछूँ 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, रैशनल नंबर। अब बात आती है कि इसके यानी किसी भी पर्टिकुलर टू नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ तो हमें पता चल गया तो इस तरह से निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 ये जो इस कंडीशंस में है, तो इस कंडीशन में इसके बीच के रैशनल नंबर्स को हमें कैसे निकालना होगा, इसके बारे में सीखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसे सीखने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच के नंबर्स को निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है स्टूडेंट मिड वैल्यू मेथड। ओके, तो
मैं इन दो नंबर के किसी भी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन मेथड की ज़रूरत होगी कम से कम। अब वो तीनों मेथड एक ही काम करेगा, लेकिन हम तीनों मेथड्स को किस जगह पर कैसे लगाएंगे, किस कंडीशन में हमें कौन सा मेथड लगाना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो तीन मेथड वो है क्या जिससे जो किसी भी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए लगाया जाता है। पहला है मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड में स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें दो नंबर्स दे रखे होंगे, उसके बीच के रेशनल नंबर निकालना हो तो ऐसे कि ए और बी दे रखा है, ठीक है, इसके बीच के रेशनल नंबर निकालना है तो करना क्या है कि उन दोनों को ऐड करो और उसे टू से डिवाइड कर दो। जो दो नंबर गिवेन होंगे उन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दो तो उन दोनों नंबर के बीच के नंबर्स निकल जाएंगे। जैसे कि हमने दो नंबर माना ए और बी, ए एंड बी, इसके बीच के रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दो तो हमें इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर कौन सा है। करना कुछ नहीं है, बस ए प्लस बी इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए और टू से डिवाइड कर दीजिए। तो ये पहला मेथड है। और ये इस मेथड को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इस मेथड को जब हमें कहा जाएगा दो रैशनल नंबर निकालिए, तीन रैशनल नंबर निकालिए, पाँच ज़्यादा से ज़्यादा पाँच, ठीक है, तो जब पाँच रैशनल नंबर तक हमें निकालना हो तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, मिड वैल्यू मेथड का। ओके, उसमें करना कुछ नहीं है, बस ए प्लस बी दो नंबर्स को जोड़ो और टू से डिवाइड कर दो। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हमारा पहला मेथड है मिड वैल्यू मेथड। दूसरा मेथड है व्हेन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज सेम। अब स्टूडेंट दूसरा मेथड में अगर कोई हमें नंबर्स दे रखा है रैशनल नंबर जैसे कि 3/5, ओके, एंड 7/5, दो ही नंबर दे रखा है और इसके बीच के रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो तो इस कंडीशन में हम ये वाला मेथड निकाल लगा सकते हैं। सो मैंने बोला था मिड वैल्यू मेथड में एटलीस्ट कम से कम हम कितने नंबर्स निकाल सकते हैं, 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिनोमिनेटर किसी भी दो नंबर के बीच में 10, ठीक है, 7, 8 इतने ज़्यादा रैशनल नंबर्स हमें निकालने होंगे तो हम मिड वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जब दूसरे मेथड भी यूज़ करेंगे, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। अब यहाँ पे मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 में है क्या कि पहला मेथड है ये 2 में कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, ओके, तो हमें करना क्या होगा, तो कितने नए रैशनल नंबर्स पूछा जा रहा है, अगर 5 पूछा जा रहा है या 6 पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे कि कितने रैशनल नंबर्स n, यानी कि कितने रैशनल नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ n से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने नंबर पूछे जा रहे हैं उसे हम एंसर डिनोट करेंगे। और करना क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, जितने नंबर सपोज अगर 5 नंबर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या मान लो कि 7 नंबर पूछे जा रहे हैं तो एन हमारा कितना हो जाएगा उस केस में, 7। और जो दो नंबर हमें दे रहे हैं जैसे 3/5 और 7/5, तो करना क्या है कि अगर कोई a अपन b पहला फ्रैक्शन नंबर दे रखा है, a अपन b दूसरा नंबर दे रखा है, p अपन q, और इसके बीच के नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और भी 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हमें करना क्या होगा कि उसमें जो हमें जितना नंबर पूछा जा रहा है उसमें हमें बस 1 ऐड करना है। जैसे कि अगर n नंबर पूछा है, n जो यहाँ पे हमारा 7 है तो n में हमें प्लस 1 कर देना है, ठीक है, और उसको हमें उस फ्रैक्शन के उस नंबर से जिसका हमें फाइंड आउट करें, जैसे 3/5 का जैसे हमने मान लिया a/b, तो a/b का हमें a/b और p/q के बीच के 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, तो हम अगर यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड कर दो और उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ n+1, ओके, और दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी हमें वही करना है n+1 और n+1, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद निकल के कोई दूसरा नंबर आएगा,
इसके बीच का भी देखिए नंबर निकल के आएगा और उन दोनों के बीच के नंबर्स को हमें लिख देना है। तो ये मेथड हमारा सेकेंड, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हमें ये मेथड यूज़ करना है। कंडीशन है जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ गिवन है। ओके, तो करना क्या है, जितने नंबर हमें पूछा जा रहा है 5, 10, 15 जितने भी पूछा जाएगा उसमें बस हमें 1 ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 7, तो 7+1 ये कितना हो जाता है 8। तो ए अपन बी में 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए में भी और बी में भी, यहाँ पी में भी और क्यू में भी। तो दो रेशनल नंबर्स हमें जो दे रखा हो उसके बीच के निकालना होगा, तो दोनों में हमें सेम वैसे ही करना। उसके बाद जो नंबर्स निकल कर आएंगे उसके बीच के नंबर्स को लिख दो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। लेकिन याद रखना जितने नंबर पूछे जाएंगे उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। जैसे 7 पूछा जाएगा तो क्या करना है, n+1। ओके, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, तो करना क्या होगा यहाँ पे n+1, उसके बाद उस n+1 को दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड है, जब कोई दो रैशनल नंबर्स दे रखे हो, ए और बी, ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, और इन्हीं के बीच का हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, इनके बीच के रेशनल नंबर्स को निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है। और कितने रेशनल नंबर, जैसे कि 100, 99, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर्स अगर हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इस थर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। और ये थर्ड मेथड वैसे तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी 3 के लिए 4, इनमें से तीनों मेथड हम किसी तीनों मेथड यूज़ करके हम किसी के भी बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है हमारा कि अगर जब 2 या 3 पूछा जाए या 5 तक पूछा जाए तो मेथड नंबर 1 यूज़ करेंगे, मिड वैल्यू मेथड वाला। अगर हमें 10, 12 या 15, 20 ऐसे पूछा जाएगा तो हम सेकंड यूज़ करेंगे। लेकिन सेकंड का कंडीशन तो याद ही है ना कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तभी हम निकाल सकते हैं। ओके, थर्ड में हमारा क्या है कि जब दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकालना हो, ये थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें एक मेथड यूज़ करना होता है, फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अगर ए और बी हमारा दो रेशनल नंबर्स हैं, जहाँ पर कंडीशन है कि जो ये बी है बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। ओके, तो हम निकालते हैं डी। अब डी में होता क्या है कि डी निकालने के लिए हमें जो बी है उसमें से हमें ए को सब्ट्रैक्ट करना होता है, बी माइनस ए और n+1। जितने नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, 100 नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो 100+1 कर देंगे, 7 नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा तो 7+1 कर देंगे, 5 नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा तो 5+1 कर देंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमें डी निकालने के, तो डी निकालेंगे और डी निकल के कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मेन फॉर्मूला है ए, ये तो हमारा पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे के नंबर्स जो हमें फाइंड निकालने होंगे, तो a+d, a+2d, a+3d, सो ऑन। ओके, तो इसी तरीके से जितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करना होगा उसमें हम a+3d, a+4d, a+5d, a+6d, तो d की वैल्यू जो हमें पुट करना है, a हमें पता ही होगा, और उस तरीके से हम जितने नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे और वो हमारा वो निकल के आता रहेगा। ओके, तो ये तो रहा हमारा तीन मेथड, पहला मेथड मिड वैल्यू मेथड, सेकेंड डिनोमिनेटर सेम हो तब, और थर्ड जब हमें डी के अकॉर्डिंग निकालना हो तो, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, ये तीन ही मेथड आपको यूज़ कर रहे हैं किसी भी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स को निकालने के लिए, गेट इट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये हमारे तीन मेथड्स हैं, अब इसी के ऊपर हम एक एक क्वेश्चंस करके देखेंगे। ओके, नोट इट डाउन। तो आई होप आपने तीनों मेथड्स उतार लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो चल रहा है, तो टैप करता है। आई होप आपने तीनों मेथड्स उतार लिए होंगे। अब हम तीनों मेथड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच के तीन नंबर्स निकालने के लिए कहा गया है। तो तीन ही नंबर निकालने के लिए कहा गया, तो हमसे आसानी से मिड वैल्यू मेथड से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, तो 3 एंड 4 के बीच में तो हमें करना क्या, मिड थ्योरम के अकॉर्डिंग मिड वैल्यू
थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, ओके, और 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आया 7/2, तो एक रेशनल नंबर निकल के आ गया 3 और 4 के बीच का, सो इसे हम इस तरह से लिख देंगे 7/2, किसके बीच के, 3 और 4 के बीच का एक नंबर 7/2 हो गया, ओके। अब बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का भी हम निकाल सकते हैं एक रेशनल नंबर, या फिर इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, किसी के बीच के भी निकाल लो, ठीक है। तो हम लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2, ओके। तो दो नंबर्स इसमें हमने लिया, 3 लिया एंड 7/2, और इसके होल के अपॉन में 2, दोनों नंबर्स को ऐड करके जो 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 हो गया। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में आता है, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 हो गया, है ना। और नीचे क्या है, 2, 6 और 7 कितना हो गया बच्चों, 13/2, और होल के अपॉन में कितना है, 2। अब इसे क्या करेंगे, 13/2, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 डिवाइड में है, तो फिर मल्टीप्लाई में जाते ही क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, अभी डिवाइड में है अपॉन में है तो, ठीक है। तो इसे जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आया बच्चों हमारा, 13/4, ओके। तो इसके बीच के नंबर हमारे कितने निकल के आए, एक और निकल के आ गया, 3 और 7/2 के बीच का नंबर क्या है हमारा, 13/4, ये 7/2 और ये 4, तो दो नंबर हमने निकाल लिया। अब बात कितने नंबर्स की निकालने की है, 3 नंबर की निकालने की, दो नंबर हमने निकाल लिया थर्ड, अब या तो इसके बीच के ले लो, या इन दोनों के बीच के ले लो, या फिर इन दोनों के बीच के, किसी भी किसी को भी हम दोनों के बीच के नंबर्स को निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओके। रेशनल नंबर बिटवीन, अब हम इस 7/2 और 4 के बीच का निकाल लेते हैं, एंड 4, ओके। सो तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 + 4, दो नंबर से दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, अब इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो गया, प्लस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया, और होल के अपॉन में 2 है, 8 और 7 15 हो गया, 15/2, होल के अपॉन में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15/2, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, ये हो गया 15/4, एक और नंबर निकल के आ गया इन दोनों के बीच के, 7/2 and 4 के बीच का, देन हम लिख देंगे थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, ओके। क्या क्या, तो पहला तो हमने निकाला था इन दोनों के बीच का, क्या था हमारा यहाँ पे 13/4, फिर क्या 7/2 और 4 के बीच में जस्ट हमने निकाला कितना आया 15/4, इसके बीच में 4 में, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमने कितने नंबर्स निकाल लिए, 3, 13/4, 7/2 and 15/4। देन स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पूरा प्रोसीजर, किस तरीके से हम इसे लिखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। और ये था पूरा प्रोसेस कि किसी भी दो नंबर के बीच के 3 रेशनल नंबर्स हमें कैसे निकालने हैं, 3 से 5 तक के रेशनल नंबर्स हमें फर्स्ट थ्योरम से मेथड से निकालने होंगे, तो इस तरीके से हम उसे निकालेंगे। तो ये रहा हमारा पहला मेथड का एग्जांपल, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आई होप आपने उतार लिया होगा। अब बारी है हमारा सेकेंड टाइम के मेथड का, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड
4 अपॉन 5। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बोला गया है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, किसके बीच में 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सेकेंड मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तो हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमारा होता है, सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि हमें कितना नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इसने कहा है 5 नंबर फाइंड आउट करने के लिए। और मेथड क्या है कि उस नंबर में जितना नंबर में फाइंड आउट करना होता है उसमें 1 ऐड कर दो। तो 5 फाइंड आउट करना था, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 6। ओके, अब बारी आती है हमारी आगे के प्रोसेस की। तो हमें क्या करना होता है, ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एन प्लस 1 विच इज 6 टू बोथ नंबर टू देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 6 की। तो वो दो नंबर्स हमारे क्या हैं, पहला नंबर है 3 अपॉन 5, तो इसके न्यूमरेटर में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 में, डिनोमिनेटर में भी 6 से, कितना आ गया, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 4 अपॉन 5, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला प्रोसेस था कि जितना नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है उसमें 1 ऐड करके देने के लिए, उसके बाद जितना आएगा उसे उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो उसके बाद जो नंबर्स निकल के आएगा उसके बीच के नंबर्स को लिख दो, दैट्स इट। हेंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 आर। ओके, तो क्या क्या होगा, 18 के बाद 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 एंड 23 अपॉन 30। तो 5 नंबर निकल के आ गए इसके बीच के, 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में। देन स्टूडेंट्स याद रखना, ये मेथड हमें कब यूज़ करना है, ये मेथड हमें तब यूज़ करना है जब हमें किसी भी दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और कंडीशन है उसके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, देन हम ये सेकेंड मेथड अपना यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें देखना होगा कि कितने नंबर फाइंड आउट करने, 5 नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो हमें एन हमारा कितना है, 5, तो उसमें 1 ऐड करना है, और 1 ऐड करने के बाद जितना नंबर आता है उसके दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उतने नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, दो नंबर फाइंड आउट होकर आएगा उसके बीच के नंबर्स को लिख दो। तो ये काफ़ी आसान तरीका था, ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस था किसके, जो डिनोमिनेटर था, जो नंबर्स हमें पूछे गए हैं उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, कंडीशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा सेकेंड टाइप का मेथड जिस हमें यूज़ करना। यहाँ पे हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, 10 भी पूछ सकता है, 20 भी, 25 भी, तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान मेथड, अगर हम पहला मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें इतना निकालने में बार बार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो देखो हमारा 3 या 4 स्टेप्स में ये कम्प्लीट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आई होप आपने उतार लिया होगा। अब बारी है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड बहुत ही इजी मेथड है, हम किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है। सो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम इसमें थर्ड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि 3 जो है इसके नीचे 1, 4 के नीचे भी 1, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वो हम सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में हमें करना क्या होता है,
सॉल्यूशन सबसे पहले चेकआउट करना पड़ता है लेट की जो ए है हमारा कितना है 3 और बी 4 लेट कर लेते हैं ओके पहला काम सेकंड अब चेक करते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है ए और बी में से बड़ा कौन है स्टूडेंट बी बड़ा है तो हमारे इस थर्ड वाले मेथड में एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले डी फाइंड आउट करना पड़ता है और डी के लिए क्या करना बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बी माइनस ए और उसके बाद एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है उसमें एन प्लस 1 से डिवाइड करना होता है सो ये एन क्या है तो एन हमें पूछा गया है जितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया वो हमारा एन है यानी कितने नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया 10 रेसल नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो एन कितना है 10 सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है पहले हमें डी फाइंड आउट करना है तो डी कैसे बी कितना है हमारा 4 माइनस और ए कितना है 3 और एन प्लस 1 एन कितना है 10 प्लस 1 तो 4 में से 3 गया तो 1 और 10 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 11 गेट इट अब बात यहाँ आती है तो डी तो हमने निकाल लिया उसके बाद हमें रेशनल नंबर्स निकालने होंगे तो कितने रेशनल नंबर हैं 10 रेशनल नंबर तो 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 ओके स्टूडेंट्स तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा तो पहले तो हमें डी निकालते थे उसके बाद तो फॉर्मूला होता था कि ए नेक्स्ट होता था ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ओके डॉट 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 तो इसके बाद कंटिन्यू चलता जाता है जितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करने होता है उतने नंबर्स हम ले जाते हैं लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ है कि इसका जो सीक्वेंस अगर हमें पता चल जाता है तो हमें ज़्यादा बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है चलो पुट करके देखते हैं ए हमारा कितना था 3 तो पहला नंबर तो 3 है ओके इसमें करेंगे तो 3 ए हमारा 3 है डी कितना निकल के आया 1/11 गेट इट और यहाँ पर ए 3 है डी 2D है 2 मल्टीप्लाई डी कितना 1/11 ठीक है और ऐसे ही ए कितना है 3D है तो 3 इंटू डी कितना है 1/11 डॉट 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 ओके स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व करते हैं और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 वन के टेबल में 11 टाइम्स में आते नहीं 33 हो जाएगा 33 प्लस 1 11 बन जाए 11 तो 1 की मल्टीप्लाई करें तो सेम रहेगा सेम ऐसे ही ऐसे हम 11 33 प्लस 2 ओके 11 बन जाए 11 उसमें 1 की मल्टीप्लाई करें तो उतना ही रहेगा 2 बन जाए 2 थर्ड 3 प्लस सॉरी 3 नहीं 33 जब एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा ये 33 प्लस 3 सो ऑन अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 33 और 1 कितना हो गया 34/11 33 प्लस 2 कितना हो गया 35/11 ये 33 और 3 कितना हो गया 36/11 तो ये हमने पैटर्न देखा कि 34 35 36 11 सेम आ रहा है तो इस तरह से हम 10 नंबर लिख सकते हैं 10 नंबर में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो पहला हो गया 34/11 35/11 36/11 तो ऐसे ही 37/11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 नंबर हमने 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स ठीक है तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है हमें इसमें फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या करना होता है सबसे पहले हमें देखना होता है कि ए कितना है ए लेट कर लिया इसे हम बी लेट कर लेते हैं और एन लेट करना होता है कि कितने नंबर्स पूछे जा रहे हैं 10 तो 10 20 तो 20 25 तो 25 100 तो 100 तो हमारा एन हो जाता है उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है हमें डी निकालना होता है और डी के लिए हमें क्या करना देखना होता है कि बी माइनस ए यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो एन प्लस 1 इस तरह से हमें डी निकालना होता है डी निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस ए सेकेंड फर्स्ट नंबर ए है जो कि हमें गिवन है सेकेंड नंबर ए प्लस डी होगा थर्ड नंबर ए प्लस 2D ए प्लस 3D सो ऑन ये नंबर्स आगे के चलते चाहिए कंटिन्यू सो हमें क्या करना होता है हमें अप्लाई करना होता है ए और डी की वैल्यू लिखो उसके बाद से सॉल्व करो और पैटर्न को समझने की कोशिश करो
तुम समझने की जो कोशिश की है तो 34/11, 35/11, 36/11 ये आ रहा है। तो हमने पैटर्न देखा कि ये काउंटिंग्स आ रहे हैं, बट नीचे क्या आ रहा है, सभी के 11 आ रहा है। तो हमने इसे ऐसे करके 10 नंबर्स लिख दिए। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल मेथड है किसी भी दो नंबर के बीच के रेशनल नंबर को निकालने का। सो स्टूडेंट्स, इसमें तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे, यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। सेकंड लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट इसी चैप्टर के लेंगे, ओके। तो अब आपको करना क्या है, आपका काम है आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं तो आपको कंसेप्ट सिखा दिया, कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, परफेक्शन कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय।